है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये तो आई होप हम लोगों को बहुत अच्छे से बनता ही है। जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़े हैं वो पूरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ये कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हर एक ट्रांजेक्शन के टू इफेक्ट होते हैं। अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की इन कैश तो इसका हमारे टू साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि एसेट्स इंक्रीज होगी, मशीनरी परचेज करने से एसेट्स इंक्रीज हो गई, और वही दूसरे साइड कैश में पेमेंट किया गया तो कैश डिक्रीज हो गया। तो एसेट्स इंक्रीज हुई और एसेट्स डिक्रीज भी हो गई। अब जो एसेट्स इंक्रीज हुई है वो मशीनरी की वजह से इंक्रीज हुई है, और जो एसेट्स डिक्रीज हुई है वो कैश पेमेंट की वजह से हुई है। तो ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का टू साइड इफेक्ट होता है।